हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कौशल विकास केंद्र पालक वाह का संचालन ट्रिपल आईटी सलोह द्वारा किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर विभिन्न व्यवसायों के विषय में पूरे प्रदेशवासियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के गाँव अपर पंडोगा में आदर्श पब्लिक हाई स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों अभिभावकों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए दिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार और ढांचागत विकास के लिए प्रदेश सरकार अनेक सार्थक कदम उठा रही है और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। के बड़े बड़े अस्पतालों में जो है हमारी लड़कियां नर्सेज का काम कर रही हैं, दिल्ली के वेदांता तक के अस्पतालों में हमारी लड़कियां टॉप क्लास अस्पतालों में इस समय नौकरियां कर रही हैं। ये आपने जो शिक्षा का जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया, फिर हमने जर्सी में सेंट्रल स्कूल खोला और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 150 करोड़ रुपए की ट्रिपल आईटी खोली स्लो में, और एक नया शहर जो है वो बस के वहां पे तैयार हो गया है स्लो में, जो आप ट्रिपल आईटी देखते हैं। और फिर हमने पालकवा में 25 करोड़ रुपए की लागत से स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला और 5 साल से वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बंद था। अब हमारे साथ ट्रिपल आईटी स्लो का समझौता हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट पालकवा वो चलाएंगे।